और भाई जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया भैया, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, कल से पक्का पढ़ेंगे भैया, कल से पक्का पढ़ेंगे, यही सारे बहानों में जुलाई का मंथ भी आ चुका है। एंड ऐसे करते करते जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, हर एक मंथ निकल जाएगा एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स एकदम सर पे आ जाएंगे। एंड देन आपको सिर्फ एक चीज रियलाइज होगी, दैट इज रिग्रेट, काश पढ़ लेता। सो हाय फ्रेंड, कैसा आप सभी लोग, दिस आर साउंड भैया। एंड आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर आपने आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप अपनी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में 90% 95-97 तक इजीली स्कोर कर लोगे। बिकॉज यही सेम स्ट्रेटेजी मैंने खुद ने यूज की थी अपने क्लास 10 के टाइम पे। एंड अभी क्या चालू है, जुलाई से लेकर बोर्ड एग्जाम आने तक ये जो भी आपका क्लास 10 का पीरियड ऑफ टाइम है, आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ना है, ज्यादा इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, एंड यस गाइस, कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाना है, सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसे जल्दी से क्लिक कर लो, 31,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास में। मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हो अपने क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। सबसे पहला पॉइंट है डिसाइडिंग आपको कितने परसेंटेज चाहिए। यस गाइज, सिंपल सी बात है ना यार, अगर आपके आंखों के आगे टारगेट ही क्लियर नहीं है कि आपको इतने परसेंटेज लेके आना है, तब तक आप अचीव कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है, आज से एक टारगेट बनाओ। अब आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में आपका जो भी टारगेट परसेंटेज है कि मेरे को क्लास 10 के अंदर इतना परसेंटेज चाहिए, ये मेरा ड्रीम परसेंटेज है, तो आपको कमेंट करना है। मैं भी तो देखूं मेरी जो ऑडियंस है वो कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रही है, कितने परसेंटेज का टारगेट बना रही है, एंड मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो परसेंटेज को अचीव करने के लिए। सो मेक श्योर आप लोग कमेंट कर रहे हो। देन गाइज, एक बार आपका टारगेट सेट हो गया, अब बस सारी चीजें भूल जाओ, सारी मुहमाएं भूल जाओ, आपको बस वो टारगेट के पीछे जाना है, सही डायरेक्शन में जाना है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, एक खाली पेज लो, एक ब्लैंक पेज लेना है एंड देन आपको अपना प्रोग्रेस नोट डाउन करना है। अब देखो करना क्या है, एक ब्लैंक पेज लो एंड यहाँ पे लिखना है माय क्लास 10th प्रोग्रेस, मेरे साथ साथ लिखो। अब देखो ये जो चीज है ना, हर कोई नहीं फॉलो करता है एंड जो फॉलो नहीं करेगा उसको ऑब्वियसली बात है अच्छे मार्क्स आने भी नहीं वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ वो सारे सीरियस सिंसियर स्टूडेंट्स की जिनको क्लास 10th के अंदर 90+ 95+ 97 तक स्कोर करना है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो यस, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है एंड देन शांति से बैठो, 15 मिनट का टाइम निकालो एंड आपने क्लास 10th के अंदर अभी तक प्रॉपरली आपको खुद को दिल से लगता है ना कि मेरा इतना हो चुका है, वो सारा सिलेबस मेंशन करना है एंड जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है उसे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल साइंस के अंदर कोई स्टूडेंट के साइंस 1 में 3 चैप्टर्स हो गए होंगे, 7 चैप्टर्स रिमेनिंग है, देन साइंस 2 के अंदर 4 चैप्टर हो गए होंगे, 6 चैप्टर रिमेनिंग है, वैसे मैथ्स के अंदर 2 चैप्टर हो गए, इस तरह से सबका इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। आफ्टर दैट गाइस आपको गोल्स बनाने हैं। अब देखो गोल्स बनाने का एक काफी सिंपल सा टेक्निक है, आपको दूसरा ब्लैंक पेज लेना है एंड देन लिखना है माई वीकली गोल्स। अब देखो मैं खुद तो पर्सनली वीकली गोल्स रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को, आपको एक न्यू पेज लेना है एंड ऊपर लिखना है माई वीकली गोल्स। आफ्टर दैट गाइस, अब देखो नया वीक मंडे से स्टार्ट होता है, तो फिर आप सभी लोगों को संडे के इवनिंग को बैठना है, 10 मिनट निकालो एंड देन आपको पूरे वीक को प्लान करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ना टाइम वेस्ट लगती है चीजें कि यार भैया ऐसे बैठ के हम लोग सिर्फ प्लानिंग करेंगे तो पढ़ेंगे कब। भाई अगर तूने ऑलरेडी प्लान कर लिया है तो पूरे वीक के अंदर तेरा टाइम सेव होगा, कि तेको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ू भैया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पास ऑलरेडी एक टू डू लिस्ट है, एक टारगेट लिस्ट है कि मेरे को पूरे वीक के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। अब देखो बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे मेरे को एग्जाम्पल बता दो, तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेंशन कर दिया कि मेरे को ये वीक के अंदर साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लेना है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, देन मैथ्स का कोई प्रैक्टिस सेट होगा आपको उसे लिखना है, कोई भी होमवर्क वगैरह होगा उसे कंप्लीट करना है, कोई असाइनमेंट होगा उसे मेंशन कर दो एंड आपको पूरे वीक के अंदर आप जैसे जैसे टारगेट्स कंप्लीट करने लगोगे आपको टिक मार्क डालना है, उससे आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैं कुछ तो कर रहा हूँ, मतलब प्रिपरेशन चालू है, कुछ तो चालू है एंड आपको खुद को अंदर से अच्छा लगेगा अपने प्रिपरेशन को लेके एंड यस एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन रहेगा आपके माइंड के अंदर, आपके हार्ट के अंदर। सो यस, ये काफी प्रूवन टेक्निक है, मैंने खुद ने भी यूज किया था अपने क्लास 10th के टाइम पे। आफ्टर दैट गाइस, अब देखो प्लानिंग का स्टेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपने प्लानिंग कर ली है कि क्या क्या चीजें अपने को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, अब आता है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन पे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा लाइक का एम देता हूँ, इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 300 लाइक्स का। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो एंड इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, आपके जो भी क्लास 10 के फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर करो एंड बोलो पढ़ ले भाई। तो देखो हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, अब अपने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कंसिस्टेंसी। यस गाइस, आपको कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करना होगा। अब ऐसे नहीं हो सकता है आपने आज वीडियो देख ली एकदम मोटिवेट हो गए एंड 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो एंड नेक्स्ट डे
आपने बुक भी हाथ में नहीं ली। नहीं, ऐसे नहीं होता है, फिर आपको मार्क्स नहीं आने वाले। कंसिस्टेंट एफर्ट होने चाहिए। डेली बस 2 घंटे से स्टार्ट करो। अगर आप एक साल बैठ के नहीं पढ़ पाते हो, 2 घंटे से स्टार्ट करो। डेली 2 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे। आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, कल 2.5 आवर पढ़ो, नेक्स्ट डे 3 आवर्स पढ़ो। इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज करो। एंड ट्रस्ट मी, अर्ली स्टडीज के यही फायदे होते हैं। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, सिंसियर वाला, बोर्ड एग्जाम्स आने तक और कुछ काम रहेगा नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना होगा। 10-10, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ पाओगे, अभी से बता रहा हूँ, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो। यही फायदा होता है यार, ट्रस्ट मी। अगर आप अभी से पढ़ते हो, आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। एंड मक्खन के अंदर आप लोग पढ़ाई करने वाले हो, ट्रस्ट मी। यस, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने खुद ने भी ऐसे ही किया था। सो यस, ये जो बात है, ये आपको एकदम अच्छे से अपने ब्रेन में फिट कर लेनी है। मैं आपको जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं आपको एक स्टूडेंट का स्टोरी सुनाता हूँ। अब देखो, आपकी सीनियर है वो, मतलब लास्ट ईयर वो क्लास 10th में थी। अब मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसने हर एक पॉइंट को, मतलब हर एक वीडियो में से, लाइव स्ट्रीम्स में से जो भी पॉइंट्स मैंने बताए थे, उनको पेज पर नोट डाउन किया। फ्लो चार्ट, वेब डायग्राम, अलग अलग तरीके से सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया। एंड देन उसने डेली रेफर किए थे वो पॉइंट्स। एंड सोचो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे। शी स्कोर 96% इन हर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। तो वही बात है, अगर आप लोग सिंसियरली फॉलो करते हो, यस तनिष्का मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो, आपको अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। आफ्टर दैट गाइस, मैथ्स, साइंस, SST। अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको डेली पढ़ने हैं, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। बिकॉज ये 3 सब्जेक्ट्स के अगर आप कॉन्टेक्स्ट से दूर गए, आप चीजें भूलने लग जाओगे, एंड देन आपको वापस पढ़ना होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक चीज मेक श्योर करो, आप पूरे वीक के अंदर आपको डेली पढ़ना है ये 3 सब्जेक्ट्स को। एंड ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप लोग 100 on 100, मतलब आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, एंड आपका एक मार्क भी कोई नहीं कट कर पाएगा। सो मेक श्योर आप लोग अपना ज्यादातर टाइम, यानी कि 70% तक टाइम ये 3 सब्जेक्ट्स पे दे रहे हो, इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। अब ऐसे नहीं करना है कि लैंग्वेजेस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, नहीं। लैंग्वेजेस के लिए स्पेशली वीडियो आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो मराठी पे होने वाली है, हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि आपको मराठी का सब्जेक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है, पूरे साल के अंदर किस तरह से मराठी पढ़ना है। बट मैं आपको अभी बोलूंगा, आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लैंग्वेजेस। आफ्टर दैट ग्रामर पे फोकस करो। अब ग्रामर कैसे पढ़ना है, टेक्स्ट बुक रीडिंग कैसे करना है, राइट वे क्या है टेक्स्ट बुक रीडिंग करने का, ये सब मैं आपको डिटेल में डेफिनेटली बताने वाला हूँ। बट अभी मेक श्योर करो आप लोग लैंग्वेजेस को इग्नोर नहीं कर रहे हो। एंड यस गाइस, मैं आपको अभी एक चीज बोलूंगा, आपको ये मंथ के अंदर, स्पेशली ये मंथ के अंदर आपका जो सिलेबस है उसे जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। ट्रस्ट मी, अगर आप दिसंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, काफी ज्यादा फायदे में रहोगे। इसी ये वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, फास्ट सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ये वीडियो बताया है, आपको जाके चेकआउट कर लेना है। सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो, डेली पढ़ाई करो। आपके जो कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स पे मेन फोकस करना है, मतलब रश मत करो कि यार सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। आपको कंसेप्ट्स क्लियर करते हुए कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको तब जाके सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन करते रहो, ताकि आपको खुद को आइडिया रहे कि यस मेरा इतना हो चुका है। बोर्ड एग्जाम के कंट्रोल में मत आओ, आपको बोर्ड एग्जाम को कंट्रोल में रखना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से फॉलो करते हो, आप अपने क्लास 10th के अंदर पूरे साल में अगर इस तरह से पढ़ते हो, आप अच्छे मार्क्स, मतलब 90-95% कुछ नहीं यार आपके लिए, आप 97 तक चले जाओगे। बस ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से फॉलो करना है। और देखो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाके फॉलो कर लेना है। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। सो मेक श्योर आप फॉलो कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। एंड यस, पूरे क्लास 10th के जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल वीडियो आने वाली है मराठी के लिए। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सिलेक्ट कर देना। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, उसे जाकर चेकआउट करो। एंड यस गाइस, बाय बाय।